आदमी पार्टी महागठबंधन को समर्थन देने के लिए आई है, किस वजह से आई है, क्या सोच है? देखिए, अभी जो पहले चरण में 11 अप्रैल को गाजियाबाद में चुनाव होने हैं, यहाँ पर हमारा प्रत्याशी आम आदमी पार्टी का प्रत्याशी नहीं लड़ रहा है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने, जैसे अरविंद केजरीवाल जी ने बहुत पहले ममता बनर्जी की रैली में कलकत्ता में बोला था कि ये चुनाव मोदी और अमित शाह को हटाने का चुनाव है, ये चुनाव भाजपा को हराने का चुनाव है। आम आदमी पार्टी ये समझती है कि इस बार इलेक्शन में भाजपा की हार को सुनिश्चित करना हमारा परम दायित्व है। गाजियाबाद लोकसभा सीट पर 2014 में आम आदमी पार्टी को लगभग 1,00,000 वोट मिले थे। एक पर्टिकुलर विधानसभा की यदि मैं बात करूं तो साहिबाबाद में 45,000 से ज़्यादा वोट थी। इस बार हम ये सोचते हैं कि यदि हमारा वोट भी महागठबंधन को मिलता है तो निश्चित रूप से यहाँ से भाजपा की हार सुनिश्चित होगी। मैं अपने पूरे कार्यकर्ताओं से विचार विमर्श करने के बाद, गठबंधन के नेताओं की अपील के बाद हमने ये निर्णय लिया है कि गाजियाबाद में आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता तन मन धन से भाजपा की हार सुनिश्चित करने के लिए गठबंधन प्रत्याशी को वोट करे। ऐसा क्या जरूरत पड़ी कि आज ही आपको करना पड़ा, गठबंधन को सपोर्ट देना पड़ा, पहले क्यों नहीं दिया गया नॉमिनेशन से पहले? नॉमिनेशन से पहले देखिए दूसरी परिस्थितियाँ थी या दूसरे कुछ कारण थे हमारे अपने। देखिए एक पॉलिटिकल सिस्टम भी होता है, अभी जैसे आज कांग्रेस अपना घोषणा पत्र जारी कर रही है तो एक हर चीज़ का एक टाइम होता है। अभी इलेक्शन का टाइम आया है, अब नॉमिनेशन था 24-25 तारीख तक, हम लोगों ने अपने कार्यकर्ताओं से बात की, सब लोगों से विचार विमर्श किया, तो कोई ऐसी बात नहीं है। अभी इलेक्शन के लिए टाइम है, आज 2 तारीख हुई है, 11 तारीख को पोल होना, तो हमारा एक एक कार्यकर्ता इन 8-10 दिनों में पूरे तन मन धन से गा। गाजियाबाद के लिए है या पूरे लोकसभा चुनाव? नहीं, लोकसभा चुनाव में अलग अलग सीटों मैं बता, हम कार्यकर्ताओं से अपने बात कर रहे हैं। फिलहाल हमने फर्स्ट फेज में जो 8 सीटों पे अभी इलेक्शन होना है पश्चिम उत्तर प्रदेश में, उसमें मुजफ्फरनगर, बागपत और गाजियाबाद के लिए हमने तय किया है। अलीगढ़, यहाँ से सहारनपुर से हमारा प्रत्याशी योगेश तेजिया जी सोम लड़ रहे हैं, तो वहाँ हमारे नेता और कार्यकर्ता जाकर उनके लिए प्रचार करेंगे। कैसे कोऑर्डिनेशन बन पाएगा सर? सहारनपुर कैसे कोऑर्डिनेशन बन पाएगा कि आप यहाँ महागठबंधन को दे रहे हैं? क्या महागठबंधन मां क्या है? देखिए आप, देखिए संदेश आप कुछ भी अर्थ लगा लें, मैंने एक शब्दों में पहले कहा, मैं पुनः इस बात को कह रहा हूँ, हमारे लिए ये जरूरी है कि हम ये चाहते हैं, आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता चाहता है, जिस तरह से इस देश में नफरत और कट्टरता का विकास हुआ है, झूठ का बोलबाला हुआ है, जुमलेपन की जो एक राजनीति है उसको हराने के लिए हम जहाँ हमारे प्रत्याशी नहीं लड़ेंगे वहाँ जो मजबूत प्रत्याशी होगा, गठबंधन का प्रत्याशी होगा, तो उसको समर्थन करेंगे, भाजपा की हार को सुनिश्चित करेंगे। ये हमें तय करना है। जहाँ आपके प्रत्याशी हैं तो वहाँ गठबंधन कमजोर है, इसका मतलब आप देखिए ये गाजियाबाद की बात हो रही है आज, ये आप जैसे हिंदुस्तान का, लेकिन आप मेरी इस बात को पुनः मैं चाहता हूँ उसको कोट करके लिखें कि आम आदमी पार्टी, आप चाहे जिस रूप में लिखें, लेकिन आम आदमी पार्टी एक एक सीट से भाजपा की हार को सुनिश्चित करने का पूरा प्रयास करेगी। आप डर कहते हैं, देखिए इस चीज को दूसरे तरीके से आप समझिए, मैं आपको बताता हूँ, आप पत्रकार बंधुओं को, मेरा कायदा नहीं है आपसे प्रश्न पूछने का, लेकिन किस जिस तरीके से कल प्रधानमंत्री जी ने बार बार एक चीजों को ये कहा है, वहाँ पे भाषण में कहा है कि ये आतंकवाद वो आतंकवाद, मेरठ की रैली में जिस तरह सपा को सह से जोड़ा, राष्ट्रीय लोकदल को रा से, बसपा को बै से जोड़ के शराब कहा, वो स्तनहीन राजनीति की एक प्रकाष्ठा है। तो हम नहीं चाहते कि देश में मतलब इस तरह झूठे और जुमलेबाजी की राजनीति हो, इसीलिए हम लोग भाजपा की हार को सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे। सर नोएडा में आपका प्रत्याशी, आपने विड्रो नहीं किया? सर विड्रो ने क्या, विड्रो नहीं किया है, वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हम बताएंगे। आज जो प्रेस वार्ता की जा रही है, किस तरीके से समर्थन की अगर हम बात करते हैं तो क्या कहेंगे समर्थन से, कितनी मजबूत होगा गठबंधन? देखिए आप पार्टी के द्वारा, आम आदमी पार्टी के द्वारा जो आज ये समर्थन हुआ है, आप इसे सुनिश्चित करके चले जाएं कि भाजपा हार चुकी है और गठबंधन जीत चुका है, ये 100% मैं आपको गारंटी के साथ डिक्लेयर कर रहा हूँ। आज आप आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो दीमक की तरह काम करते हैं, आप समझ लीजिए,
जब यहाँ 1,00,000 वोट वो जब ले सकते हैं जब उनकी स्टार्टिंग होती है, जब उस पार्टी की स्टार्टिंग होती है उस समय में वो 1,00,000 वोट ले सकते हैं, तो आज उनकी निश्चित रूप से 1,00,000 से बढ़ के 3,00,000 वोट होंगी। तो आम आदमी पार्टी ने क्यों अपना कैंडिडेट नहीं उतारा, अगर इतनी मजबूत स्थिति तो कैंडिडेट क्यों नहीं उतारा? अगर आप ये क्वेश्चन करते हैं क्यों नहीं उतारा, 27,00,000 की ये कॉन्स्टिट्यूंसी है और हम 3,00,000 पे खड़े हैं, तो 3,00,000 को अगर हम डिवाइड करें तो क्या फायदा है? हमें भाजपा हरानी है तो जो भाजपा को फाइट दे रहा है उसको समर्थन कर देंगे, भाजपा हार जाएगी। मकसद तो एक ही है ना। एक आखिरी सवाल, हाँ, महागठबंधन के खाते में, सपा के खाते में गई थी ऐसी, हाँ, सुरेंद्र मुन्नी जी को टिकट दिया गया, हाँ, सुरेश बंसल जी बसपा में थे, ठीक, रातों रात चेंज हुए, ठीक, सपा ज्वाइन की, ठीक, तो क्या वजह माने? वजह साफ है, आप तो पत्रकार हैं, आपको सोचना चाहिए, अगर दो ब्राह्मण लड़ जाएंगे तो फिर गठबंधन रह कहाँ जाएगा? आप बताइए ना, जब दो ब्राह्मण हो जाएंगे, जातिवाद पर मतलब दुनिया कर रही है इसको, ये आप मेरे से क्यों पूछ रहे हो? कौन नहीं कर रहा जातिवाद पे? जो आज केंद्र में बैठे हैं, जो आज केंद्र में बैठे हैं, आज संबित पात्रा को मैं देख रहा हूँ एक जगह खाना खिला रहा है उस बेचारी अम्मा को, उससे ये नहीं पूछा तेरे घर में तेरी उज्ज्वला योजना कहाँ गई, तो क्यों चूल्हे में आंख तेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं? हर चीज समय के अनुसार होती है, आज का समय ये है तो आज इस पे बात हो रही है, कल जो समय होगा। शीर्ष नेता भी आएंगे आपके साथ? ये देखिए, मैंने आपसे कहा जब समय आएगा तो उनकी जरूरत होगी उनको बुलाएंगे, तो ये कोई क्वेश्चन नहीं होता भाई। आप कहीं ना कहीं मानते हैं कि उनकी शायद आपको आवश्यकता नहीं गठबंधन इतना नहीं, ये आप गलत सोच रहे हैं। अगर आवश्यकता नहीं है तो मेरी बगल में क्यों बैठे? जो आप बोल रहे हैं सर, नहीं, मैं तो ये मेरी बगल में बैठे शीर्ष नेता नहीं है क्या? अगर मुझे आवश्यकता तभी तो मैंने इनको बुलाया है, तभी तो मैं चल के इनके पास गया हूँ। यानी आप महागठबंधन किसी से समर्थन लेना पड़े मैं लूंगा, बात खत्म। सीधी सी बात है।